राज्यपाल कलराज मिश्र से डॉक्टर निहारिका राठौड़ और डॉक्टर गिरवर सिंह राठौड़ ने की शिष्टाचार भेंट, पुस्तक प्रख्यात सामाजिक वैज्ञानिक के प्रति की भेंट। उदयपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक आयोजित, चुनाव दायित्वों को निर्वहन करने के दिए निर्देश। श्रीगंगानगर में होम वोटिंग के पहले दिन 103 वर्षीय वृद्ध महिला ने घर से किया मतदान। होम वोटिंग में वृद्ध और विषय योग्यजन मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। लोकसभा चुनाव को लेकर होम वोटिंग में दिखा मतदाताओं का उत्साह। पहले दिन जयपुर में 93 और जयपुर ग्रामीण में 96% से अधिक हुआ मतदान। धौलपुर में पुलिस और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर खाद्य पदार्थों में मिलावट पर की कार्रवाई। 680 लीटर घी सींच कर 150 किलो पनीर करवाया नष्ट। उदयपुर में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में एडीजे कुलदीप शर्मा ने बार एसोसिएशन सलुम्बर के अधिवक्ताओं के साथ ली बैठक। योग्य प्रकरणों को लोक अदालत में निस्तारण करने पर की चर्चा। चित्तौड़गढ़ में नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक मुकेश राठौड़ और निलय बुनकर ने ली प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल प्राधिकारियों की बैठक। आचार संहिता लागू होने से अब तक की प्रगति के बारे में की चर्चा। उदयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप गतिविधियों के तहत किया मतदाताओं को जागरूक। स्वीप प्रभारी कीर्ति राठौड़ ने बताया मतदान का महत्व। लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक ओवेस अहमद ने सूचना केंद्र में संचालित मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग सेल तथा पेड न्यूज सेल को किया अवलोकन, दिया जरूरी निर्देश। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 8 अप्रैल को अपनी स्थापना के 31 वर्ष पूर्ण होने पर 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आगाज। गजल गायन की होगी प्रस्तुति। धौलपुर जिले के सेंपऊ थाने के एएसआई उदयभान कसाना की हृदयघात से हुई मौत। गांव खेडली में किया गया राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। जयपुर हेरिटेज निगम की ओर से तालकटोरा झील पर आयोजित हुआ सफाई श्रमदान कार्यक्रम। निगम के अधिकारियों और सीफार एनजीओ के कर्मचारियों ने मिलकर किया सफाई कार्य। बारा में जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताशव सिंह तोमर ने लोकसभा चुनावों को लेकर ली समीक्षा। जिले में मतदाताओं की मतदान में 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जयपुर में लोकसभा चुनावों को लेकर नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक कामिनी चौहान रतन और दिलराज सिंह ने नियंत्रण कक्षों का किया निरीक्षण। चुनाव प्रकोष्ठ कार्य प्रणाली और कार्य प्रगति की दी जानकारी। और जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का स्कूली छात्रों ने किया दौरा। कैंसर सर्जन डॉक्टर नैना अग्रवाल ने छात्रों को दी जानकारी और कैंसर के प्रति किया जागरूक।